बड़ा में जगह है कंधा और बिहार झारखंड डायरेक्टरेट का नाम रोशन किया है। इधर इधर देख रहे बाबू, इधर देखो इधर देख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में भव्य रूप से स्वागत सम्मान विकास वैभव का हुआ है। बिहार के दरभंगा में जैसे ही विकास वैभव हायाघाट की धरती पर पहुंचे, वहां जोरदार स्वागत सम्मान किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर यहां देख सकते हैं महंत कर्ण ज्योति उच्च विद्यालय में आयोजित 8 बिहार बटालियन NCC और 2 बिहार मेडिकल NCC के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में इंस्पेक्टर जनरल विकास वैभव और बिहार और झारखंड के उप अपर महानिदेशक ब्रिगेडियर AK सिंह आकर सबसे पहले मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक विकास वैभव को अंडर ऑफिसर विकास कुमार के द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद NCC उड़ान के जिला संयोजक सुशील कुमार के द्वारा यातायात में हो रही दुर्घटना को कम करने के लिए कैडेटों और प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि सभी कैडेट अपने गांव शहर में जाकर बताएंगे कि यातायात नियम को पालन करने का प्रशिक्षण के बारे में बताया जाए। इसके उपरांत सप्त मूर्ति का डेमो दिया गया। वन के हो रहे कटाव को कम करने के लिए एक दृश्य बनाकर उन्हें पर्यावरण पर भी दिखाया गया है। इसके बाद सूरज कुमार के टीम के द्वारा जूडो कराटे का डेमो दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं संजय कुमार सिंह, यहाँ पर सुजीत कुमार जो सुजीत चौधरी हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं। प्रमुख प्रतिनिधि विकास सिंह मौजूद हैं। सभी लोगों की मौजूदगी में ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसके बाद सूरज कुमार के जो जूडो कराटे का डेमो दिखाया गया है, आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक आदमी अपनी रक्षा के लिए आना चाहिए, ऐसा बताया गया है। इस मौके पर सभी लोग मौजूद हैं। अंतिम डेमो सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन के बारे में कैडेट निहारिका और नेहा ने बताया है। भारतीय सेना लड़ाई के मैदान के कैसे टूटे फूटे रास्ते में किन किन फाइल और कैसे चलकर दुश्मन पर हमला बोलता है, बिहार और झारखंड के उप अपर महानिदेशक ब्रिगेडियर AK सिंह ने की अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं, और अगर दो दो सफलता एक साथ हो तो किसका चयन करें जो आपके भविष्य में आपकी सफलता कायम कर रहे हैं, आपके हाथ में है। साथ ही अपने सैनिक जीवन के बारे में बताया, किस किस क्षेत्र में अपनी ड्यूटी किए हैं, और साथ ही NCC के बारे में उन बताया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर जो विकास वैभव है, उन्होंने बताया कि युवाओं के जीवन के बारे में जानकारी दिया कि आजकल युवा अपने भविष्य के लिए कैसे चिंतित रहते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारण करना अति आवश्यक है और अपने लक्ष्य से हमेशा जुड़े रहें, और लक्ष्य से जुड़कर अपने समाज को भी थोड़ा समय देकर समाज में फैल रहे निगेटिव से दूर रहें, और युवाओं को भी दूर रहने के लिए कहा है। साथ ही युवाओं को अपने इतिहास के विभिन्न भागों के बारे में बनाए और बिहार के इतिहास पर जोर देना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हायाघाट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह अपने सीमा से उन्हें रिसीव किए। साथ ही उनके साथ नीतू कुमारी और ईसाई जो हैं अजीत कुमार, ये सभी लोग मौजूद रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ गाँव के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहाँ पर दूर दूर से देख रहे थे कि किस तरह से NCC के ये जो होनहार नौजवान हैं, छात्र छात्राएँ हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चिंटू सिंह को भी आप सामने देख सकते हैं, वो लगातार पटना से लेकर दरभंगा तक सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहे हैं। चिंटू सिंह बिहार चिकित्सा के कमांडिंग ऑफिसर मेजर बाबुल कुमार, महंत कर्ण ज्योति विद्यालय के प्राचार्य परवेज आलम, 8 बिहार बटालियन के सूबेदार मेजर गौतम राय, प्रशिक्षण JCO दिल्ली जसविंदर सिंह, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के NCC पदाधिकारी लेफ्टिनेंट ममता रानी, मारवाड़ी उच्च विद्यालय के NCC पदाधिकारी मुकेश कुमार सिंह, राजकीय उच्च विद्यालय के NCC पदाधिकारी सेकेंड ऑफिसर पंकज कुमार, BHN हवलदार कमल राय, सभी लोग मौजूद रहे हैं। पहुंचे हुए थे, कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं? NCC के जितने भी कैडेट्स हैं उनके साथ संवाद करने आया था, युवावस्था के ऊपर, सफलता के सूत्रों के ऊपर, और बिहार मिलकर कैसे हम योगदान कर सकते हैं, बिहार के भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। कई बातें मैंने साझा की, लेट्स इंस्पायर बिहार के जो मूल संदेश हैं,
बिहार की जो प्राचीन विरासत है उसका जो संदेश है उसको युवा कैसे ग्रहण करके वर्तमान और भविष्य को संवार सकते हैं, इस पर बड़ी विस्तार से बात। दूसरी बात सर, इस बार खास है कि स्टूडेंट हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छी बात है, और इनफैक्ट बात करने की शुरुआत मैंने इसी से की कि जो सफलता हम अर्जित करते हैं, यदि मेडिकल करते हैं कुछ बच्चों ने किया बाकी लोग नहीं कर पाए, क्या कारण है उस पर यदि हम विचार करते हैं तो पाते हैं जिनकी सोच अलग हो निश्चय के साथ करते हैं वैसे लोग हैं सफलता प्राप्त करते हैं। और बिहार के हित में लोगों ने यही बात की कि जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब भी बिहार यदि अग्रणी था, अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सका था, विश्वविद्यालयों को स्थापित कर सका था, तो कारण हमारी सोच थी जो अलग थी। जातियां तब भी थी लेकिन खंड खंड में बटे होने के बाद भी हमारी सोच जातिवाद से परे थी। तभी नंदवंश का उदय हुआ, आचार्य चाणक्य भी जब निकले उन्होंने चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त की जाति पर विचार नहीं किया। उस प्रकार से एक समता के भाव को जागृत करना है, उस प्रकार के भाव को जागृत करना जिसके लिए मिथिला की भूमि प्राचीन काल से जानी जाती है, भेदभाव से रहित वैसे समाज का निर्माण करना है, तभी बिहार हमारे जीवन काल में अग्रणी रूप में स्थापित होगा और शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हर व्यक्ति को मिलकर प्रयास करना होगा, उसमें युवा शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों के हौसलों को मन आशान्वित है, प्रसन्न है और निश्चित रूप से भविष्य के प्रति उज्ज्वल भाव लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। धन्यवाद सर। यहाँ पर आए हैं, कैसा रहा आज का? अभी यहाँ पे 500 बच्चों का कैंप हो रहा है, हम लोगों को ये जो बच्चे हैं इनको एक तरह से दोबारा से सोशल लिविंग के बारे में हम लोग सिखाते हैं, जहाँ ये सुबह जगते हैं, पीटी वगैरह करके देयर आफ्टर क्लासेज लेते हैं और इनका रूटीन काफ़ी जो सख्त चलता है रात तक चलता है, तो एक तरह से सारे बच्चे दोबारा से आ करके सुबह जल्दी जगना, लेट तक काम करना और फिजिकल एक्टिविटी और गेम्स प्लस जो है ना आपस में कन्वर्स करके जो सॉफ्ट स्किल्स है बातचीत करने की क्षमता है उसको डेवलप करना। तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर जो है ना हम लोगों का एक ये है कि दोबारा से इनको बच्चों को जो इनर्जाइज कर दें ताकि जब वापस जाएं तो एक अच्छा रूटीन जो है ना फॉलो कर सके और जो आए थे उससे हम बेहतर जो है ना इनके साथ एप्टीट्यूड डेवलप करके क्वालिटीज़ डेवलप करके भेजें ताकि देखने के बाद माता पिता को भी अच्छा लगे, साथ में पीयर ग्रुप में भी ये एक तरह से रोल मॉडल बन के आए और जो इनकी क्षमता है इस क्षमता में निश्चित रूप से जो है ना विकास हो और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें। धन्यवाद सर। उन वीरों का खाने का नाम देश के वीरों तुझे सलाम। The medical students also they are here in the camp. महसूस हो रहा है सबसे पहले स्कूल के बच्चे बच्चियां बोले और उस समय एक ही साल में मैंने दो एग्जाम पास, मेडिकल का एग्जाम घर वाले मुझे चाहते थे कि वो डॉक्टर बने मेरा, तो मेरा मेडिकल में सिर्फ बच्चे हैं उनमें से हमारे यहाँ सर इसके साथ ही हम सब दीदी जी और सीधा हो जाए आप सब यही इंतजार कर रहे नहीं है, पक्का। क्या मतलब
ऋषि की सोच क्या थी? आमतौर पर हम कहते हैं कोई पूर्ण नहीं, ऋषि की सोच क्या थी? यदि किसी सोने के टुकड़े को हम खंडित करते हैं छोटे छोटे भागों में, तो छोटा जो कण होता है उसमें क्या गुण होता है? सोना का ही गुण होता है, किसी और धातु का गुण तो नहीं आ जाएगा। कितना भी काटेंगे, कितना भी पीटेंगे, कौन सा बच जाएगा? किसी भी आभूषण में गढ़ देंगे, क्या गुण जाएगा? सोना का है। लेकिन सोचिए, क्या कभी आपने किसी को कहते हुए सुना है कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है? कितने लोग सुने? बस इधर, हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, सुने? कभी लोग सुने, कभी लोग नहीं भी सुने। चलिए सोचिए, यदि कहते हैं और मानते हैं कि आपके अंदर परमात्मा का अंश है, परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा के गुणों को क्या हम किसी किलोग्राम में, किलोमीटर में परिभाषित कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं कितने के जी गुण होगा, किस प्रकार का गुण होगा? कैसे अगर गाना पढ़े कि परमात्मा के गुणों को बताओ, क्या निकलेगा? असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे ब्रह्मांड की यदि बात करते हैं, ब्रह्मांड में कहते हैं असीम, कहते हैं ना। और यदि परमात्मा के गुणों की बात करें, क्या कहते हैं? असीम। अब सोचिए, असीम मतलब इनफिनिट है ना। और इनफिनिटी को यदि हम काटेंगे, डिवाइड करते हैं, तो मैथमेटिक्स क्या कहता है? इनफिनिटी को छोटा भी काटोगे तो छोटा जो कर्ण होगा क्या होगा? इनफिनिटी होगा। यदि परमात्मा का अंश हमारे अंदर स्थापित है और थोड़ा भी अंश है, परमात्मा के गुण क्या थे? गुण इनफिनिट, आपके गुण क्या हो गए? यदि जिस व्यक्ति को जिसके गुण असीम हो, वह यदि किसी लक्ष्य को कठिन कहे, तो कैसी भावना आएगी? इसी से तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिसके अंदर समस्त सृष्टि को संचालित करने की क्षमता है, वैसा व्यक्ति यदि कहता है कि तो लक्ष्य कठिन है, तो उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। कोई लक्ष्य कठिन नहीं, मन की सीमा मात्र है। इसीलिए उन्होंने कहा, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मन में अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। ये बातें कब कह रहे हैं? जब भारत में हमारी युवा पीढ़ी उस समय अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों ने इस प्रकार की भावना को उत्पन्न किया था कि हर भारतीय अपने आप को हीन भावना से देखने लगा। युवाओं के मन में आता कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनके बारे में किसी अंग्रेज ने कह दिया कि एक अलमारी से ज्यादा कुछ नहीं है इस पूरे भारत की सभ्यता, जबकि हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है। लेकिन उस जिस ग्रंथ को एक अलमारी कहा गया, उसकी एक फूट में कितनी शक्ति है, आप सोच सकते हैं। और उस शक्ति को यदि समझ गए, कभी निराश नहीं होंगे। तैयारी भी करें कि कहीं कठिन लगा, मैं जब तैयारी करता तो फिजिक्स बड़ी कठिन लगती थी। 11th में जब था, 10th में बड़े अच्छे नंबर आए थे, 11th में गया, नए स्कूल में गया, स्कूल की पढ़ाई अलग चल रही थी, कोचिंग करस्पॉन्डेंस का कोर्स मैंने मंगाया था, उसका शेड्यूल अलग चल रहा था, बचपन से क्लास अच्छा करते रहे, रिटायर 11th में फेल हो गए फर्स्ट टर्म में 1985। और तब इच्छा थी 97 में IIT में पहले प्रयास में जाना है। सोचिए, जिसकी 95 में फिजिक्स में उत्तीर्ण फेल हो जाए, उस 97 में IIT के एग्जाम देना हो, क्या क्या फीलिंग आएगी? निराश होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। मन में भावना देखिए शक्ति के अंदर है, जिद है। यदि कोई व्यक्ति पुस्तक लिख सकता है, तो पुस्तक में सोच क्यों नहीं सकता? इस जिद के साथ जब मैंने पढ़ना शुरू किया, शुरुआत में जिस टॉपिक को मैं कठिन समझता था, 3 दिन लगे, लेकिन 3 दिनों तक जब पढ़ते रहे, अच्छे से पढ़े, तो मेटा किताब पढ़े, पढ़ना सीख गए। और उसके बाद जिन चीज़ों को पढ़ने में पहले 3 दिन लग रहे थे, आधे घंटे में चीज़ों को समझ लेते। व्यक्ति के सामने कहते हैं ना, मानव जो गोल लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्यों कहते हैं? आपके अंदर सामर्थ्य थी, लक्ष्य यदि तय करोगे, पूरा प्रयास करोगे, सफलता अवश्य मिलेगी।
किसी कहने पे चले जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और जब भ्रमित होते हैं तो जिस लक्ष्य के लिए जिस क्षमता के साथ ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बिहार की स्थिति क्या है, व्यक्तिगत जीवन में बताया सफलता कैसे मिलनी चाहिए, लेकिन खासकर जब एनसीसी कैंप में है सब लोग एक ही वर्दी में है, एक ही वर्दी में जब दूर से आप लोगों को देखें तो क्या कोई भेद दिखता है क्या? हो सकता है कोई लंबा हो कोई छोटा हो, इस प्रकार के भेद भले दिखे, लेकिन क्या उससे आप किसी व्यक्ति के धर्म, किसी व्यक्ति की जाति, किसी व्यक्ति की बोली बता पाएंगे क्या? नहीं बताते। लेकिन समाज में क्या होता है, जब बिहार में क्या होता है, जब दस लोग मिलते हैं आपस में मिलते हैं पहली बार मिलते हैं क्या देखने को मिलता है, क्या जानने को उत्सुक रहते हैं लोग, क्या जानना चाहते हैं, अपने अनुभव क्या है कि नहीं किया, कोई नया व्यक्ति मिले क्या जानना चाहते हैं। अब सोचिए एक रथ जिसमें चार पशुओं में लेकर उसको खींचते हो, उसमें यदि चार पशु कोई आगे ले आना चाहे, कोई पीछे ले आना चाहे, कोई बाएं ले आना चाहे, कोई दाएं ले आना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और समाज में यदि आपस में खंड खंड में बट करके कोई समाज को उधर ले जाना चाहे, कोई उधर ले जाना चाहे, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, और आपस में संघर्ष करते रहे तो समाज आगे बढ़ेगा क्या? समाज आगे कैसे बढ़ेगा? एकता, एकता अनुशासन की सीख है, एकता बिहार, सब लोग बिहार के हैं, मिथिला के प्राचीन भूमि से हैं, ज्ञान की भूमि रही है, वेदांत की भूमि रही है, बिहार में क्या अलग था? वेदांत की हम लोगों ने बात की, जहाँ ज्ञान उत्पन्न होता है हर चीज में वृद्धि होती है, हर गुण में वृद्धि होती है, ज्ञान की प्राचीन भूमि रही, संस्कार क्या था? यदि बिहार को हम याद करते हैं क्यों करते हैं? ज्ञान पुराने काल में जब सोचते हैं क्या याद आता है? एक तो मैंने ज्ञान की बात की, वेदांत की भूमि थी, ऐसे विश्वविद्यालय थे नालंदा में, विक्रमशिला में, जिसमें पूरे विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे, कितने लोग सुने नालंदा का नाम, सब लोग सुने विक्रमशिला का नाम, विश्वविद्यालय तब स्थापित थे जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई, उस समय पूरे विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे, और जो पढ़ने आते थे उस समय आज की तरह रोड्स थे, टेक्नोलॉजी थी, कम्युनिकेशन थे, दूर चीन के किसी गांव से कोई व्यक्ति पैदल चलता सामान को लेकर चलता, रास्ते में भिक्षा भी मांगता और धीरे धीरे चलता हुआ ठंडे रास्तों से हिमालय के विक्रमशिला या नालंदा पहुंचता। इसमें से ऐसे अनेक लोग थे जो लौट कर जा नहीं पाते थे, मार्ग में बड़ी कठिनाइयां होती थी, जितने भी यात्री थे उन्होंने अपनी जीवनी कई लोगों ने लिखी, कई का सामना डकैतों से हुआ, कई का सामना मौसम से हुआ, कुछ लोग गंगा में जब पार कर रहे थे तो मगरमच्छ के शिकार हो गए, लेकिन उसमें से कुछ लोग लौट के अपने देशों में गए, और जो अपने देशों में गए तो खुद ही माने गए, आज भी उनके स्तूप बने हुए हैं, लोग पूछते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ऐसी भूमि थी। यदि ज्ञान की बात हुई, जहाँ ज्ञान होगा शौर्य भी होगा, शौर्य में जो हम बात करते हैं अक्सर किसकी बात करते हैं, अलेक्जेंडर का नाम कितने लोग सुने? अलेक्जेंडर द ग्रेट।